A body is said to be rigid if the relative position of constituent particles remains unchanged when external deforming force is applied. An external deforming force is applied to the body. Diamond is an example of diamond is an example of nearly rigid body. Next paragraph mein likho. In real life, no object is perfectly rigid. And all objects can be deformed more or less. Each object can be deformed more or less by the application of deforming force. So last time repeat kar do. Their original size or shape. The bodies which regain their original size or shape on removal of deforming force are called elastic bodies. And the property by virtue of which body tends to regain its original size and shape after the removal of
removal of deforming forces is called elasticity. हमने बेसिकली इसका कॉज करना है, सो यू कैन रीड कॉज ऑफ इलास्टिसिटी कि कोई भी बॉडी वापस आती क्यों है ओरिजिनल पोजीशन पे. अपने केमिस्ट्री में ग्राफ पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का और पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का. कि अगर इस एक्सेस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करता हूं और इस पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो ग्राफ वाज ऑफ दिस शेप. अपनी केमिस्ट्री में इस तरह का ग्राफ बनाया था, याद है? This was graph between intermolecular distance and potential energy. ये जो point है, जब distance r not है, इसको हम बोलेंगे equilibrium distance. जब equilibrium distance है, तो potential energy minimum है. ये potential energy की minimum value है u not, minus u not. अब इलास्टिसिटी चेक करने के लिए हम यहाँ तो बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं या बॉडी को कंप्रेस कर सकते हैं. अगर मैंने बॉडी को स्ट्रेच किया तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा या कम हुआ? अगर मैंने बॉडी को स्ट्रेच किया तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा. अभी अगर आर नॉट डिस्टेंस है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में मान लो डिस्टेंस बढ़ के आर वन हो गया. और जब दो मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस आर वन हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की माइनस यू वन इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी. ये बढ़ी या कम हुई? पहले माइनस यू नॉट से माइनस यू वन आ गई, मतलब ये बढ़ रही है. अब अगर मैं कंप्रेस करता तो डिस्टेंस कम हो जाता. मान लो कंप्रेस करने से डिस्टेंस कम हो गया आर टू, पहले आर नॉट था अब आर टू, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू नॉट से माइनस यू टू. तो इस ग्राफ से बेसिकली ये प्रूव होता है कि जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. आप बॉडी को स्ट्रेच करते हो तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस करने से भी बढ़ती है. स्ट्रेच किया तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, कंप्रेस किया तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी. फिजिक्स का जनरल कंसेप्ट होता है कि एवरी सिस्टम टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. कि इस पेन को मैंने छोड़ा, ये नीचे गिरा, बिकॉज नीचे जाने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. हीलियम बलून को छोड़ा, वो ऊपर गया, उसकी ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. सो हर बॉडी कोशिश करती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में आने की. आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी और डिस्टेंस आर नॉट से बढ़ा के आर वन कर दिया था, या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी तो डिस्टेंस आर नॉट से कम करके आर टू कर दिया था. स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वैल्यू से थोड़ी सी बढ़ गई. तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे द बॉडी टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगेन. और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब दोबारा से डिस्टेंस जो है आर वन से आर नॉट हो जाए या आर टू से आर नॉट हो जाए. सो बिकॉज बॉडी वापस अपने आर नॉट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आ गई, मतलब उसने अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो रीगेन कर ली. सो हर बॉडी जो है वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करती है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए. सो ये तो एक वे हो गया एक्सप्लेन करने का. इसको हम फोर्स के वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. फोर्स के वे में कैसे एक्सप्लेन करोगे? अगर मेरे को जब इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, फोर्स क्या होगी? अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो फोर्स जीरो. फॉर्मूला क्या है? रिलेशन बिटवीन एफ एंड यू. हमने एक रिलेशन पढ़ा था एफ इजिकल्स टू माइनस डी यू बाय डी आर. अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये वैल्यू जीरो क्यों होगी? बिकॉज
अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये जीरो क्यों होगी, बिकॉज मिनिमम वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। एग्जांपल दे सकते हो इसका मिनिमम वैल्यू? 10th की मार्कशीट मिल गई आप सब लोगों को, उसमें दो कॉलम है, तीन इंसेक्ट, एक मैक्सिमम मार्क्स का, एक मार्क्स ऑब्टेंड का। जैसे आपका इंग्लिश का पेपर तो मैक्सिमम मार्क्स 100, मार्क्स ऑब्टेंड जो आपने लिए। अगर एक और कॉलम बना देते हैं उसमें मिनिमम मार्क्स का, तो मैक्सिमम जैसे 100 लिखे, मिनिमम मार्क्स कितने लिखे होते सबके? जीरो। मिनिमम कितने ले सकते थे? जीरो। मैक्सिमम 100। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, इसीलिए उसको कहते हैं कि उससे डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती, एक ही वैल्यू मिनिमम हो सकती है। तो अगर मिनिमम वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो उसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो होगी, बिकॉज कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो होती है। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसलिए फोर्स जीरो है। जब डिस्टेंस आर नॉट है तो फोर्स जीरो है, मतलब यहां पे फोर्स जीरो है। फोर्स का ग्राफ बनता है ऐसे, और फिजिक्स में हमेशा पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है रिपल्शन, और नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है, मैंने बॉडी को कंप्रेस किया, मैंने बॉडी को कंप्रेस किया तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर नॉट से कितना हो गया? आर टू। आर नॉट पे फोर्स जीरो थी, आर टू पे जो फोर्स है दैट विल हैव सम पॉजिटिव वैल्यू, से एफ टू। पॉजिटिव फोर्स मीन्स रिपल्शन। मैं बॉडी को कंप्रेस करता हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दबाता हूँ, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स आ जाती है। तो मैं जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लूंगा रिपल्शन के कारण, दे विल कम क्लोजर और मूव अवे, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा। मैंने आर टू कर दिया था, उनको कंप्रेस करके छोड़ूंगा तो वापस रिपल्शन के कारण आर नॉट पे आ जाएंगे। सिमिलरली जब मैंने स्ट्रेच किया, डिस्टेंस आर नॉट से आर वन हो गया, और फोर्स जो थी वो माइनस एफ वन होगी। माइनस मीन्स अट्रैक्टिव। मैंने स्ट्रेच किया, डिस्टेंस आर नॉट से बढ़ के आर वन हो गया, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स थी वो अट्रैक्टिव है। तो जब मैं अपनी फोर्स हटा लूंगा अट्रैक्शन के कारण, दे विल कम बैक। मैंने उनको खींच के उनमें डिस्टेंस बढ़ाया था, तो मैं जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा दे अगेन टेंड्स टू कम बैक। तो डिस्टेंस आर वन था तो दोबारा से आर नॉट हो जाएगा। तो आप फोर्स के वे में भी एक्सप्लेन कर सकते थे, और पोटेंशियल एनर्जी के वे में भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि जो रेड कर्व शो किया दिस इज फोर्स, और ये वाला जो कर्व है दिस इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम दोनों एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। पहले देखो ये समझ में आई दोनों चीजें। पोटेंशियल एनर्जी में हमने रीजन क्या किया कि हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे वो दोबारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आने की कोशिश करेगी, दोबारा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आने की कोशिश करेगी, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे दोबारा आ जाएगी। सिमिलरली फोर्स के बेस पे लिया कि जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस था तो फोर्स जीरो थी, मैंने कंप्रेस किया तो पॉजिटिव फोर्स आ गई, पॉजिटिव फोर्स आ गई तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा रिपल्शन के कारण वो वापस अपने ओरिजिनल डिस्टेंस पे आ जाएंगे। सिमिलरली जब मैं स्ट्रेच करूंगा तो फोर्स अट्रैक्टिव है, तो जब छोड़ूंगा अट्रैक्शन के कारण वो वापस आ जाएंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट के नहीं क्लियर? कि बॉडी इलास्टिक सब्सटेंसेस की तरह क्यों बिहेव करती है, क्यों वो वापस आती है अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे? सो कॉज ऑफ इलास्टिसिटी में ग्राफ बना लो पहले।
दोनों ग्राफ इकट्ठे बना लेना, एक्सप्लेनेशन अलग अलग पैराग्राफ में लिख देंगे। और हर सब्सटेंस जो है इट इज इलास्टिक टू सम एक्सटेंट, कितना इलास्टिक हो सकता है वो वेरिएबल है, पर इलास्टिक हर बॉडी होती है। इलास्टिक हर बॉडी होती है मींस जैसे ग्लास है, तो ग्लास को हम नॉर्मली ब्रिटल की कैटेगरी में लेते हैं, ब्रिटल की कैटेगरी में कि वो टूट जाता है बहुत जल्दी, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफॉर्म नहीं हो सकता, इट ऑल्सो गेट्स डिफॉर्म टू सम एक्सटेंट, तो उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा डिफॉर्म नहीं कर सकते, वो बहुत जल्दी इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स रप्चर करते हैं और ग्लास ब्रेक कर जाता है। So you can write elasticity of substances. Elasticity of substances can be explained. Elasticity of substances can be explained using variation of Elasticity of substances can be explained using variation of intermolecular potential energy with intermolecular distance. Intermolecular potential energy with intermolecular distance. As shown in the figure, in equilibrium, The intermolecular potential energy is minimum. That is, when R is equals to R naught, potential energy has minimum value. When R is equals to R naught, potential energy has minimum value. When force is applied to stretch the body, when force is applied to stretch the body, When force is applied to stretch the body, the intermolecular distance increases from R0 to R1. Intermolecular distance increases from R0 to R1. And as shown in the figure, And as shown in the figure, and as shown in the figure, the potential energy increases from minus U naught to minus U1. Potential energy increases from minus U0 to minus U1. Similarly, when we
Similarly, when we compress the body, the intermolecular distance decreases from R0 to R2 and potential energy increases from -U0 to -U2 Thus, it implies that when we stretch or compress the body, the intermolecular potential energy is increasing in both the cases. Therefore, when the deforming force is removed, the body tends to regain its minimum potential energy state. Body tends to regain its minimum potential energy state as it is more stable. And thus, regain its original size and shape. Next paragraph mein likho. Elasticity can also be explained. Using variation of Elasticity can also be explained using variation of intermolecular force with intermolecular distance.
intermolecular force with intermolecular distance, as shown in the figure. At equilibrium position, as shown in the figure. At equilibrium position, the net force acting on a molecule is zero. At equilibrium position, net force acting on a molecule is zero. When we stretch the body and distance increases from R0 to R1, when we stretch the body and distance increases from R0 to R1, the force between molecules becomes minus F1. Negative force. Sir, the force between molecules ke baad kya bolna tha aapne? Force between molecules is minus F1. Negative force signifies attraction between the molecules. Negative force signifies attraction between the molecules. Therefore, when deforming force is removed, therefore, when deforming force is removed, the molecules returns to the original size and shape. Because of this attractive force, similarly, when a body is compressed, an intermolecular distance changes from R0 to R2. Body is compressed and intermolecular distance changes from R0 to R2. The force between molecules becomes F2 or positive. Positive force signifies repulsion. Therefore, on removal of deforming force, therefore, on removal of deforming force, the body regains its original shape due to this repulsion. Body regains its original shape
due to this repulsion. नीचे कुछ डेफिनेशंस लिखो जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं डीफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी इनके डेफिनेशंस. सो फर्स्ट इज डीफॉर्मिंग फोर्स बिकॉज़ दो फोर्सेस हैं एक तो डीफॉर्मिंग और ये जो ग्राफ बना है ये किसका है दिस इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इसके कारण तो बॉडी वापस आ रही है दिस इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स दिस इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ये जो ग्राफ है सो फर्स्ट इज डीफॉर्मिंग फोर्स External force which tries to external force which tries to change the dimensions or shape of the body external force which tries to change dimensions or shape of the body is called deforming force. Next is perfectly elastic body. Next definition, perfectly elastic body. So elastic body normally अच्छी कब होती है एक तो deform कम हो और दूसरा original shape regain करे और उसमें permanent deformation आए. Rubber band को आपने देखा है कि वो इसलिए भी हम उसको elastic नहीं लेते because उसमें permanent deformation आ जाती है. परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है कि अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे और बार बार स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो दैट गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड. अगर आपको एग्जांपल देना है नियरली इलास्टिक बॉडी का जो कंप्रेस और स्ट्रेच हो और डिफॉर्म ना हो तो किसका दे सकते हो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मूवमेंट किस पार्ट की है limbs human heart आप सो रहे हो या जाग रहे हो वो तो चलता ही रहता है ना contraction and expansions उसमें होती रहती हैं पर वो permanently deform कभी नहीं होता so it's an example of nearly perfect elastic body वैसे जो external force तो लगती नहीं से heart पे external forces में मतलब expansion और contraction biological system है ना वो बाहर से थोड़ी आप force लगाओगे तो वो expand और contract तो करता है ना पर डिफॉर्म नहीं होता बिकॉज उसका मटेरियल इस तरह का है या विंड पाइप आप बोलते हो रोज एक जब आप बोलते हो लंग से एयर आती है एक्सपैंड होती है फिर दोबारा श्रिंक कर जाती है बट ये हार्ट जितनी नहीं है अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ तो विंड पाइप एक्सपैंड भी कर जाती है. वैसे अगर आप देखोगे आर्टिफिशियल मटीरियल में तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपकी घड़ी में लगा है सो परमानेंटली डिफॉर्म वो भी नहीं होता कि कई साल आपकी घड़ी चलती रहती है विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन इन इट ऑल्दो इट एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो परफेक्टली इलास्टिक फिजिक्स में परफेक्टली मतलब 100% हम किसी को नहीं कह सकते बट दीज आर एग्जाम्पल्स सो यू कैन राइट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी द बॉडी विच परफेक्टली रीगेन्स इट्स द बॉडी विच परफेक्टली रीगेन्स इट्स The body which perfectly regains its the body which perfectly regains its original form on removal of deforming force on removal of deforming force
is defined as perfectly elastic body. Is defined as perfectly elastic body. For example, quartz crystal. For example, quartz crystal is an example of nearly perfect elastic body. Next is plastic body. The body is which does not have, the body is which does not have the property of opposing deforming force. Which does not have the property of opposing deforming force. Or the bodies which remain in deformed state even after. The bodies which remained in deformed state even after removal of deforming force. Even after removal of deforming force are called plastic bodies. So basically, jo original shape regain nahi karengi. Next is internal restoring force. Internal restoring force. When external force acts at any substance, when external force acts at any substance, then due to intermolecular force, there is internal resistance produced. And that is called internal restoring force. In equilibrium, internal restoring force. Sir, due to ke aage please aap repeat kar do. Kahan tak likha aapne? Kahan tak likha hai? Acts at any substance, then due to when external force acts at any substance due to intermolecular force, there is internal resistance produced called internal restoring force. There is internal resistance produced called internal restoring force. At equilibrium, the numerical value of
इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एट इक्विलिब्रियम द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स is equal to the external force. अब normally stress और pressure में क्या फर्क होता है? If we talk of stress and if we talk of pressure, stress और pressure में क्या फर्क होता है? स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, दोनों को हम डिफाइन ऐसे ही करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो स्ट्रेस प्रेशर एग्जर्टेड बाय सॉलिड्स होते हैं। स्ट्रेस सॉलिड्स में होता है, प्रेशर अगर जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने एक बॉडी पे एक सरफेस है उस पर फोर्स लगाई 10 न्यूटन ऑन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कितना लगाया? 10 न्यूटन फोर्स ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रेशर एग्जर्टेड कितना है या स्ट्रेस कितनी है? प्रेशर कितना है या स्ट्रेस कितनी है? इफ आई एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी आप प्रेशर निकाल सकते हो इससे या स्ट्रेस निकाल सकते हो अगर मैंने फोर्स और एरिया की वैल्यू दे दी तो। अगर मैंने फोर्स और एरिया की वैल्यू दे दी तो आप प्रेशर निकाल सकते हो? यस सर। क्यों क्यों नहीं निकाल सकते? अगर फोर्स पर यूनिट एरिया है, मैं फोर्स भी दे रहा हूँ और एरिया भी दे रहा हूँ, तो आप प्रेशर क्यों नहीं निकाल सकते? जैसे आपने लिक्विड कॉलम का प्रेशर निकाला केमिस्ट्री में H2O जी, तो दैट्स वेट अपॉन एरिया, वेट पता था, एरिया पता था, वेट को एरिया से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर आ गया। तो फोर्स और एरिया पता हो तो प्रेशर क्यों नहीं निकलेगा, स्ट्रेस क्यों नहीं निकलेगी? से अगर आपको किसी चीज को कट करना है नाइफ से, से लेट इट बी एनी फ्रूट, तो आपको नाइफ को फ्रूट के सरफेस के परपेंडिकुलर रखना चाहिए या किसी एंगल पे रखना चाहिए? एंगल पे। मतलब मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, इसको कट करना आसान कब है? नाइफ ऐसे रख के काटूं या ऐसे इंक्लाइंड रख के काटूं? परपेंडिकुलर। क्यों? बिकॉज फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाई मान लो, तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। कौन सा कंपोनेंट है जो काट रहा है, पैरेलल या परपेंडिकुलर? इसके कारण कटेगा ये सेम या इसके कारण कटेगा? किसी के कारण कटेगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होता है फोर्स का, सीधा फोर्स से पता नहीं चलेगा, हमें वो कंपोनेंट चाहिए फोर्स का जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। एक सरफेस है मेरे पास, बॉल इसको आगे ऐसे हिट करती है और ऐसे जाती है, दूसरी बॉल ऐसे आती है, तो ये इस पे ज्यादा फोर्स प्रेशर लगाएगी, ये वाली बॉल जो सीधी आके हिट करेगी। तो हमेशा आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स चाहिए होता है अगर आपको प्रेशर निकालना है तो। एंड तीन तरह का स्ट्रेस पढ़ेंगे हम, बेसिकली कल भी थ्योरी होगी ज्यादा, तीन तरह का स्ट्रेस पढ़ेंगे, फिर उन तीन तरह के स्ट्रेस के कारण तीन तरह का स्ट्रेन पढ़ेंगे, और फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो पढ़ेंगे। सो बेसिकली कल का दिन भी थ्योरी चलेगी, परसों फिर इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो पहले इतना बढ़ के देखना सिंपल है। हाँ जी सर, जब हम काट रहे होते हैं फ्रूट को थोड़ा इंक्लाइंड ही रखते सर नाइफ को? आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आप इंक्लाइंड रखोगे तो। कभी टीवी पे देखना मास्टर शेफ है प्रोग्राम आता है, वो कैसे काटते हैं, सीधा रखा होता है नाइफ, बिल्कुल सीधा रख के काटते हैं, बिकॉज उस केस में आपको मिनिमम फोर्स चाहिए काटने के लिए ऑब्जेक्ट को, जितना इंक्लाइंड करते जाओगे उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी।
अब कारपेंटर को देख लो, उसने जब से आरी है, जो आरी को जब चलाता है वो एंगल पे चलाता है, परपेंडिकुलर रखता है वुड के, तो पेंडिकुलर रख के कट करता है, एंगल पे रख के कट करेगा तो नहीं कटेगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो परपेंडिकुलर के केस में, बिकॉज फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही है जो कट करता है,